Good morning, friends. Myself, Divya Srivastava, and I am your English teacher. Today, in English literature, we are going to start a new fresh chapter, chapter 8, and the name of this chapter is The City Mouse and the Village Mouse. ठीक है, माउस आपको पता होगा, माउस मतलब होता है चूहा. द सिटी माउस, शहर का चूहा, एंड विलेज माउस यानी कि एक गांव का चूहा. ठीक है, ये स्टोरी दो चूहों की है, एक गांव में रहता है और एक शहर में रहता है. दिस इज योर 8th चैप्टर एंड टुडे वी आर गोइंग टू रीड इट. So now we will see the summary of this chapter. So let's get started first. Once upon a time, there was a mouse, Max, who lived in a big city. एक बार की बात है, एक चूहा था जिसका नाम क्या था, Max, who lived in a big city. यानी जो सिटी वाला माउस था उसका नाम क्या था, Max. He was very proud that he got delicious food every day, like cheese, bread, biscuit, hot pudding. क्योंकि वो शहर में रहता था तो उसके पास सारे delicious food थे. वो daily delicious food खाता था, जैसे bread, butter, cheese, biscuit, pudding, sweet. Okay? One day, Max's cousin Rex, who lived in a village. अब Max का जो cousin था उसका नाम क्या था, Rex. एक दूसरा चूहा यानी कि village वाला mouse. उसका नाम क्या है, Rex. Who lived in a village, जो कि एक गांव में रहता था. And he lived in a very simple life. वो बहुत ही साधारण जीवन गुजारता था. One day Max went to spend holiday with Rex. एक दिन क्या हुआ, Max यानी कि जो सिटी माउस था वो गांव में गया अपने भाई के साथ कुछ समय बिताने के लिए, अपनी हॉलीडे को स्पेंड करने के लिए. वो स्पेंड करने के लिए Rex के पास गांव में गया. Every day they used to eat the same kind of food like raw potatoes and corn. क्योंकि वो अब गांव था तो वहां पे चीज, रेक्स के पास चीज नहीं थी, बटर नहीं था, बिस्किट्स नहीं थे, पुडिंग्स नहीं थे, तो उसके पास क्या था, he has raw potatoes and corn. उसके पास कच्चे आलू और corn. Corn मतलब भुट्टे के दाने. ठीक है, तो ये सारी चीजें होती थी और वो उसको वो शेयर करता था. रेक्स वुड शेयर दीज थिंग्स विथ Max. वो उसको ये चीजें शेयर करता था, उसको खाने को वो देता था. तो एवरी डे वो लोग यही चीज खाते थे. एवरी डे दे हैड इट इन डिनर, इन ब्रेकफास्ट, इन लंच, एवरी टाइम वो यही खाना, सेम टाइप ऑफ खाना मील खाते थे. नाउ मैक्स बिगेन टू कंप्लेन अबाउट द टेरिबल फूड एंड आस्क्ड Rex टू कम बैक विथ हिम टू द सिटी. कुछ समय बाद क्या हुआ, मैक्स यानी कि जो सिटी माउस था वो फ्रस्ट्रेट हो गया, सेम काइंड ऑफ फूड खाके, एवरी डे सेम टाइप ऑफ खाना खाके वो फ्रस्ट्रेट हो गया. और उसने क्या किया, उसने खाने के बारे में कंप्लेन करना शुरू कर दिया. उसने रेक्स से कहा कि व्हाट टेरिबल फूड यू ईट, तुम इतना भयानक डरावना खाना कैसे खाते हो, ये तो बहुत ही बुरा खाना है, ये तो सेम खाना है, हम इसको एवरी डे डिनर में खा रहे हैं, एवरी डे लंच में खा रहे हैं, हाउ कैन यू ईट दिस एवरी टाइम, तुम ये खाना एवरी टाइम कैसे खा सकते हो. उसने उस खाने के बारे में कंप्लेन करी एंड आस्क्ड Rex टू कम बैक विथ हिम टू द सिटी, और शहर में वापस आने को उससे कहा. मैक्स ने Rex को शहर में वापस आने के लिए कहा और कहा चलो मेरे साथ शहर चलो, देन आई विल शो यू द वेराइटीज ऑफ फूड, मैं तुमको वहां शहर में तरह तरह का खाना दिखाऊंगा और खिलाऊंगा. ठीक है, Rex went to the city विथ Max. Rex क्या हुआ, Max के साथ सिटी चला गया, शहर को चला गया. Max showed him all the delicious food in the city. शहर में जितना भी delicious खाना था, उसके घर में जितना भी delicious खाना था, सब उसने उसको वहां दिखाया और सब कुछ उसको वहां शो किया कि देखो यहाँ पे चीज मिलती है, यहाँ ब्रेड है, बटर है, बिस्किट्स है, पुडिंग है, the varieties of food here. But as they started eating, someone would come there. Every time they had to run for their life. जब वो खाना स्टार्ट करते, जब जब वो खाने के लिए, वो डिलीशियस फूड को टेस्ट करने के लिए बैठते, जब जब वो खाना शुरू करते, कोई ना कोई वहां पे आ जाता. He heard a sound of man. He heard a sound of dog. वो कभी कभी कुत्ते की आवाज सुन लेते, कभी बिल्ली की आवाज सुनते. जो चूहे होते हैं वो सबसे डरते हैं ना, आदमियों से भी डरते हैं, ह्यूमन बींग से डरते हैं, कुत्तों से डरते हैं, बिल्लियों से तो स्पेशली डरते हैं क्योंकि बिल्लियों का खाना ही होता है माउस, है ना. तो एवरी टाइम वहां कोई ना कोई आ जाता और एवरी टाइम दे हैड टू रन फॉर देयर लाइफ, और एवरी टाइम उनको अपनी जान बचाने के लिए वहां से भागना पड़ता.
वो कभी भी उस डिलीशियस फूड को सही से एंजॉय कर ही नहीं पाते, खा ही नहीं पाते। कभी कोई आदमी आ जाता तो वो भाग जाते, कभी कोई डॉग की आवाज सुन लेते वो कि डॉग बार कर रहा है, भौंक रहा है, तो वो भाग जाते। कभी कभी बिल्ली आ जाती, कैट, तो वो भाग जाते, राइट। एट लास्ट रेक्स वॉज वेरी एफ्रेड दैट ही डिसाइडेड टू रिटर्न होम। रेक्स इतना ज्यादा डर गया, इतना ज्यादा एफ्रेड हो गया कि उसने डिसाइड किया, नहीं मैं अपने घर को वापस जाऊंगा, आई विल गो बैक, मैं अपने घर को, मैं अपने विलेज को वापस जाऊंगा। ही सेड टू मैक्स, उसने मैक्स से कहा, क्या कहा मैक्स से, दैट यू मे हैव ऑल गुड थिंग्स हियर, हो सकता है तुम्हारे पास यहाँ बहुत सारी चीजें हैं। उसने मैक्स से कहा, रेक्स ने, कि तुम्हारे पास यहाँ पे बहुत सारी चीजें हो सकती हैं, लेकिन यू हैव नो पीस टू एंजॉय देम, लेकिन तुम्हारे पास उन चीजों को एंजॉय करने का टाइम नहीं, उन चीजों को एंजॉय करने का मतलब पीस नहीं है, शांति नहीं तुम्हारे पास, तुम उस चीज को एंजॉय नहीं कर पा रहे हो। एवरी टाइम कोई ना कोई आ जाता है, एवरी टाइम हमें वहां से भागना पड़ता है। तो ये डिलीशियस फूड भी है, ये भी क्या है, यूजलेस है, वेस्ट है, अगर हम इसको अच्छे मन से खा नहीं पा रहे, अच्छे से उसको एंजॉय नहीं कर पा रहे, देयर इज अ नो पीस, यहाँ पे कोई भी शांति है ही नहीं, ठीक है। तो इतना ज्यादा डर गया और उसने क्या बोला कि अब मैं अपने घर विलेज को वापस जा रहा हूं। देन फाइनली एंड्रेस केम बैक टू हिज विलेज एंड हिज सिंपल लाइफ। अब जो रेक्स था वो अपने गांव को, घर को वापस आ गया और अपनी सिंपल सी लाइफ में वो वापस आ गया। वो गांव शहर गया, उसने वहां पे देखा कि यहाँ तो वैरायटी ऑफ फूड है, बट उस वैरायटी ऑफ फूड को एंजॉय करने के लिए लोगों के पास टाइम नहीं है, पीस नहीं है, शांति नहीं है, हम उस चीज को सही से खा ही नहीं पा रहे, वहां पे लाइफ इतनी ज्यादा थ्रेटनिंग है, ठीक है। वहां कोई ना कोई हमेशा आ जा रहा है कि वो वहां पे जो माउस है, चूहे हैं, वो चीज को एंजॉय नहीं कर पा रहे सिटी में। तो इसीलिए वो अपनी सिंपल लाइफ में, यानी कि जो खाता था पोटैटोज एंड कॉर्न, उस सिंपल सी लाइफ में वो अपने रेस्ट वापस आ गया, अपने गांव को वापस आ गया। सो दिस स्टोरी ऑफ अ सिटी माउस एंड अ विलेज माउस इज कंप्लीटेड हियर। आई होप आपको ये स्टोरी समझ में आई होगी, पसंद आई होगी। इन नेक्स्ट वीडियो वी विल स्टार्ट अ न्यू फ्रेश चैप्टर, ओके।